इसमें आपको आपको जिला चुनना होगा जैसे कि आप जिला चुन सकते हैं आपका जो कोई सा भी ज़िला हो जोधपुर सिकर नागौर उदयपुर राम राम सभी को मैं हूँ सुनील आलना पटेल स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ें ताकि हम जब भी कोई जानकारी साझा करें वो आप तक पहुँचें हम बात करेंगे जमाबंदी को आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं गूगल से जमाबंदी को निकालने के तीन तरीके होते हैं आप जमाबंदी को खसरा संख्या से निकाल सकते हैं खाता संख्या से निकाल सकते हैं या अपने नाम से भी निकाल सकते हैं तो आइए समझते हैं ये जानते हैं जमाबंदी को आसान तरीके से कैसे निकालें गूगल से वो भी फ्री में तो आइए आसान शब्दों में समझते हैं स्टेप बाई स्टेप जमाबंदी कैसे प्राप्त करें सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर या किसी भी ब्राउज़र पर जाना होगा जो गूगल हो क्रोम हो कोई भी हो वो आप ओपन कर लीजिए उस पर आपको लिखना होगा अपना खाता तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा अपना खाता पे क्लिक कीजिए जैसे ही आप अपना खाते पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा इसमें आपको आपको ज़िला चुनना होगा जैसे कि आप जिला चुन सकते हैं आपका जो कोई सा भी ज़िला हो जोधपुर सिकर नागौर उदयपुर हमारा जलावर जिला हम जलावर चुनते हैं तो जैसे आप जलावर ज़िला चुनेंगे आपको जो आपकी तहसील है वो उसके बारे में पूछेगा तो आप तहसील पर देख लीजिए आपकी तहसील कहाँ है कौन सी है हमारी पचपाड़ तहसील है तो हम पचपाड़ तहसील को खोलते हैं उसमें आपको फिर आपके जो गांव है वो उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी उसमें आपको देखना पड़ेगा आपका गांव कौन सा है आंवली खुर्द जैसे हमारा गांव है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप आंवली खुर्द आपके गाँव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरप्रेस खुलेगा इसमें आपको पूरी डिटेल फ़िल करनी पड़ेगी क्योंकि आप पहली बार इस पर जा रहे हैं तो आपको डिटेल फ़िल करनी पड़ेगी आप बार बार निकालेंगे तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं ऑटो फिल का ऑप्शन आ जाएगा इस पर लिखना पड़ेगा जैसे आपको लिखना पड़ेगा सुनील मेरा नाम शहर भवानी मंडी जो भी आपको लगता है आपके यहाँ पे जो भी लगता है आप वो चीज़ लिख सकते हैं आवेदक का पता आंवली खुर्द और पिन कोड डालना पड़ेगा आपको ओके बत्तीस पैंसठ ज़ीरो दो और जमाबंदी पे क्लिक करना पड़ेगा और ये आ गया आपके पास तीन इंटरफेस खाता संख्या खसरा संख्या और नाम से तो आप इनमें से कोई सी भी चीज़ किसी के थ्रू निकाल सकते हैं अगर आपको खाता संख्या पता है तो आप खाता संख्या से निकालें खसरा संख्या पता है तो खसरा संख्या से अगर आप दोनों नहीं पता तो आप नाम से निकाल सकते हैं खसरा संख्या से जैसे कि मेरी है जमीन बीस बटा दो ये अगर आप चयन करते हैं जैसे कि ये चयन कर लिया अपन ने तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नकल खसरा संख्या के समेत आए या फिर अब नकल का मैप निकालना चाहते हैं तो आप वो दोनों निकाल सकते हैं इससे नकल सूचनात्मक निकालना है या खसरा मेप से निकालना है ये आपकी नकल आएगी आपके सामने इसमें आप नकल खोलेंगे तो इसमें खाता संख्या आपको ऊपर जो दिखेगी पुरानी नई आपकी जितने भी नाम की जितने भी ज़मीन है बीस बटा दो है जैसे दो सौ चालीस है जितने भी डिवाइडेशन हो रहे हैं आपकी ज़मीन की जितने भी खाता संख्या है खसरा संख्या है वो सिर्फ़ एक ही से आ जाएंगे आपको हर एक अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक काश्तकार के नाम पर अगर दस जगह है तो वो दस जगह आएंगे अगर आप खसरा का इसका मैप निकालना चाहते हैं तो मैप पे क्लिक कीजिए खसरा मैप सहित नकल पे क्लिक कीजिए आपको आपके खेत का मैप कंप्लीटली पूरा दिख जाएगा और इसको डाउनलोड करने का इजी तरीका है आप इन थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और आप डाउनलोड कीजिए ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इसे आप नकल भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप जैसे निकलवाना है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सीधा अब खाता संख्या से कैसे निकाले वही स्टेप अगर आपको खाता संख्या पता है तो नकल वही आके निकलेगी आपकी खाता संख्या से भी और खसरा संख्या से भी तो जैसे कि आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से खसरा संख्या से आपको जमीन का जो जमाबंदी का जो, जो विवरण है वो निकाल के दिखाया है जैसे आपको जानकारी है खाता संख्या की या खसरा संख्या की आपके नाम से आप किसी भी तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद